अपने गुरु से विरह के क्षण हमें कैसे बिताने चाहिए? यू नो वो टाइम जब हम अपने सदगुरु के शारीरिक रूप से उनके अंग संग नहीं होते, वो वाला टाइम हमारे लिए है जबकि हम उनके अपने अंदर दर्शन करने की कोशिश करें। तो ज़्यादा टाइम हम भजन अभ्यास में दें ताकि हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच पाएँ। अगर उनको अपने अंदर पाएंगे तो हमें फिर कोई दूरी दिखाई नहीं देगी, हम उनके अंग संग होंगे, उनसे दूर नहीं होंगे, तो कोई भी दूरी हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस अवस्था में पहुंचा सकें जिसमें कि हम अपने सदगुरु से अगर शारीरिक रूप से दूर हैं तो वो दूरी हमें तकलीफ़ ना दे। वो तब होगा जब उनको अंतर्मुख हम उनको देख पाएंगे, जान पाएंगे। तो जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हम शारीरिक रूप से अपने सदगुरु से दूर हैं, तो उस समय हमें ज़्यादा समय भजन अभ्यास में देना चाहिए ताकि जो प्रभु का शब्द है उसका हम अनुभव करें, उसके साथ जुड़ें, हमें ताकत मिलेगी और हम आस्ते आस्ते अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर कोई दूरी नहीं है, फिर हम उनके अंग संग हैं, वो हमारे अंग संग हैं, उसका हमें अनुभव होगा। वैसे तो हमारे सदगुरु हमारे अंग संग हर समय रहते हैं, ये हमारी कमज़ोरी है कि हम उन्हें उस अवस्था में पा नहीं पाते। वो हमारे अंग संग हैं, हर समय हमारे नज़दीक हैं, तो हम उन्हें अपने भीतर जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जब उनकी नज़दीकी हम अपने अंदर पाते हैं तो फिर हमें कोई भी दूरी दिखाई नहीं देती। तो अभ्यास करके ही हम उनकी नज़दीकी पा सकते हैं, और जो वो हमारे अंग संग हैं उसका अनुभव हमें तब होता है जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं।